वेलकम टू स्टूडेंट हेल्थ। आज BEG 102 के इस वीडियो में हम वर्ड्स एंड देयर एलिमेंट्स के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, और ये जो टॉपिक है इसमें हम लोग दो तीन चीज़ों को समझेंगे कि व्हाट इज़ मॉर्फोलॉजी। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मॉर्फोलॉजी क्या है ये समझा जाए, ताकि आगे मॉर्फीम्स क्या हैं, बाउंड मॉर्फीम्स क्या होते हैं, एफिक्स क्या होता है, स्टेम रूट्स ये सब कैसे होते हैं, फर्दर मॉर्फीम्स को कंबाइन करके वर्ड्स कैसे बनाए जाते हैं, तो ये चीज़ बाद में समझ आए। इसके लिए ये डिस्क्रिप्शन जानना बहुत ज़रूरी है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि मॉर्फीम्स को आप आइडेंटिफाई करिए, इसके अलावा मॉर्फीम्स जो कि एक वर्ड में है वो कैसे उसमें एक नया मीनिंग लाते हैं, सफिक्सेस क्या होते हैं, प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले जिस चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे वो है मॉर्फोलॉजी। तो पहले हम लोग मॉर्फोलॉजी के डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, और इसके बाद देखेंगे कि एक वर्ड से जो 5 तरह के इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकते हैं उनका क्या यूज़ है इंग्लिश लैंग्वेज में, और उस इन्फॉर्मेशन को हम लोग कैसे डिकोड करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मॉर्फोलॉजी का। जो सबसे पहला हम लोग चीज़ देखेंगे वो है डेफिनेशन। तो मॉर्फोलॉजी इज़ डिफाइंड एज अ स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स। और मॉर्फोलॉजी का अगर आप वर्ड में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जाके इसका मीनिंग चेक करेंगे तो यही मीनिंग निकलता है कि किसी भी चीज़ को, किसी भी कंपोनेंट को अगर कि आप एनालाइज करें कि वो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, तो वही चीज़ मॉर्फोलॉजी बन जाती है। तो अगर हम लोग मॉर्फोलॉजी ऑफ वर्ड्स को डिस्क्राइब करना चाहें तो इट इज़ वेरी सिंपल कि हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं। और वर्ड किससे बनते हैं तो हमें पता है कि एक वर्ड अल्फ़ाबेट से बनेगा, तो हम लोग अल्फ़ाबेट के डिस्क्रिप्शन में नहीं जाएंगे क्योंकि वो पूछा नहीं जाता है। तो हम लोग सिंपल सी बातें हैं वो चीज़ को देखेंगे जो कि एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर किए जा सके। इसके बाद चलते हैं कि फोनेटिकल या फिर फोनोलॉजिकल जो इन्फॉर्मेशन है, ये सबसे पहले टाइप का इन्फॉर्मेशन है जो कि एक वर्ड के बारे में हमें मिल सकता है। इसके अलावा इसके और 4 रूप होते हैं, टोटल आपको 5 इस तरह के इन्फॉर्मेशन मिलेंगे किसी भी वर्ड से। तो एक एक करके अब इन सबों को हम लोग डिस्क्राइब करते चलेंगे। सबसे पहला चीज़ है फोनेटिक या फोनोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। तो कोई भी वर्ड है जिसको हम लोग जानते हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि हम उसे कैसे प्रोनाउंस करें। अगर प्रोनाउंसिएशन गलत है तो फिर उस वर्ड को कहने का कोई मतलब नहीं है। जैसे KNOW का मतलब होता है जानना, और NOW का मतलब होता है नाउ यानी अभी। लेकिन अगर किसी को इनका प्रोनाउंसिएशन पता नहीं है और वो नाउ और नो दोनों को एक ही जैसे बोले तो आपको उसका मीनिंग समझ में नहीं आएगा। हाँ, लिखा हुआ हो तो पढ़ के आप समझ सकते हैं। तो इसलिए फोनेटिक और फोनोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वर्ड का मीनिंग समझा जा सके स्पेसिफिकली, जबकि डिस्टिंक्शन और आपको सुन के उस चीज़ को, डिक्टेशन को लेना है। तो हर वर्ड के साथ में एक एसोसिएटेड सीक्वेंस ऑफ साउंड है। ये मैंने जब फोनीम्स वाला पार्ट समझाया था तो वहाँ पर बताया है कि हर वर्ड जो की है उसमें एक सर्टेन सीक्वेंस ऑफ साउंड्स होता है, तभी जाके एक वर्ड तैयार होता है। और हर ह्यूमन डायलेक्ट में, नॉट नेसेसरी कि सिर्फ इंग्लिश में बल्कि हिंदी हो, बंगला हो, उड़िया हो, वट एवर जो भी आप लैंग्वेज ले लो, उसमें हर वर्ड का एक साउंड है और वो सीक्वेंस ऑफ साउंड्स ही उस वर्ड को डिफाइन करता है। तो एक जो डिक्शनरी है, डिक्शनरी में सिर्फ वर्ड का मीनिंग नहीं दिया जाता है। आप देखोगे अगर पीछे पलट के तो उसमें उसका प्रोनाउंसिएशन भी आपको डिफाइन मिलेगा, डिस्क्राइब मिलेगा। उसमें जो भी डिक्शनरी है वो इनकोड करता है इस तरह के इन्फॉर्मेशन को, और ये जो प्रोनाउंसिएशन का इन्फॉर्मेशन है ये देता है इन द टर्म्स ऑफ फोनेटिक सिम्बल्स। तो अगर इसमें आपको डाउट है तो हम लोग इस चीज़ को भी डिस्क्राइब करेंगे। इसके बारे में आप कमेंट करके हमसे बात कर सकते हैं कि सर इस पर वीडियो बना दें, तो उस चीज़ को हम लोग वहाँ डिस्क्राइब करेंगे। अभी तब तक के लिए एक एग्जांपल देखते हैं कि अगर मान लो बेट का प्रोनाउंसिएशन देखना है तो हाउ डू वी नो कि इसको BET को बेट बोलना है और BAT को बैट बोलना है। ये हम लोग को इसीलिए पता है क्योंकि जो कि इसके फोनेटिक सिम्बल्स हैं ये इस चीज़ को देखते हैं। अब फोनेटिक सिम्बल्स जब मैं समझाऊंगा तो हो सकता है ये चीज़ें आपको अगर क्लियर नहीं है तो उस समय ये डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। जो सेकंड इन्फॉर्मेशन है वो है मॉर्फोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, और मॉर्फोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन से आपको उसका इंटरनल स्ट्रक्चर पता चलेगा। जो कि मैंने ऊपर मॉर्फोलॉजी का डेफिनेशन बताया था उसी से रिलेटेड है ये, कि इसमें आपको इंटरनल स्ट्रक्चर वर्ड का पता चलेगा कि उसका प्लूरल फॉर्म बनाया जा रहा है, उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनाया जा रहा है, जेरंड बनाया जा रहा है। जैसे हम लोग रीड में एस लगा दें तो दैट बिकम्स रीड्स, रीड का मतलब है पढ़ना और ही इज़ रीडिंग। तो ये भी वहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग बाद में ING ऐड कर रहे हैं, तो प्रीफिक्स सफिक्स को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो उस हिसाब से वर्ड का भी मीनिंग चेंज होता है। एंड अगेन ये वर्ड के इंटरनल स्ट्रक्चर में चेंज ला रहा है, तो दिस बिकम्स अ मॉर्फोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। फिर आती है बात ग्रामेटिकल इन्फॉर्मेशन की। तो ग्रामेटिकल इन्फॉर्मेशन में हम लोग ये चीज़ देखने की कोशिश करेंगे कि जो भी वर्ड है वो किस क्राइटेरिया या किस स्लॉट में सेट होता है, किस स्लॉट में वो फिट होता है। तो सबसे पहले चीज़ जो हम लोग देखेंगे वो हो सकता है कि वो फ्रेज में हो, क्लॉज में आए या सेंटेंस में आए। अब कभी भी अगर वर्ड का हम लोग एक कलेक्शन बोलें तो हो सकता है कि अगर वो कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर रहा है तो वो एक सेंटेंस है, अगर आधा अधूरा मीनिंग है तो इट इज़ अ फ्रेज। एंड अगेन क्लॉज में दोनों चीज़ें आ जाती हैं, फ्रेज और सेंटेंस। अगर कि आप एक इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलो तो दैट इज़ अ सेंटेंस,
लेकिन एक डिपेंडेंट क्लॉज इज ऑलवेज अ फ्रेज। तो ये चीज़ें जबकि हम लोग सेंटेंस क्या है इस चीज़ को डिस्क्राइब करेंगे तो वहाँ पे इन चीज़ों को और अच्छे से देखेंगे। अभी हम लोग सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये कई बार पूछा गया है, तो 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है इसमें आपको ये पाँचों के पाँचों पॉइंट्स लिखना है विद एग्जाम्पल्स, ताकि आप 10 में कम से कम 8 नंबर्स तो ज़रूर स्कोर कर लें। तो कोई भी मैं ऐसा क्वेश्चन नहीं बताता हूँ जो कि किसी काम का नहीं है, मैं खुद उन पार्ट्स को स्किप कर देता हूँ जिससे रेगुलरली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो आप लोग सारे वीडियोस को ध्यान से फॉलो करिए, इसके अलावा भी काफ़ी सारे वीडियोस हैं उनको आप जाके चेक करिए। और फिर भी अगर आपको लगता है कोई कंटेंट चाहिए तो डू कमेंट, हम लोग उसके ऊपर वीडियोज़ भी ले आएंगे। इसके बाद इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं कि दिस इज़ माई बैग एंड नॉट दिस इज़ माई अ बैग। अब इससे क्या हुआ, तो ये चीज़ समझ में आ रहा है कि ग्रामेटिकली जो फर्स्ट पार्ट है दिस इज़ माई बैग ये ग्रामेटिकली करेक्ट है, लेकिन दिस इज़ माई अ बैग ये गलत है। क्यों? क्योंकि मेरा बैग है हम तो ये बता ही रहे हैं, तो मेरे पास एक बैग है या फिर दो बैग है, हम किसी भी पॉइंट करें तो हम वहाँ पे कहते हैं दीज आर माई बैग्स। अगर प्लूरल में हम कहें कि मेरे कई सारे बैग हैं तो हम कहेंगे दीज आर माई बैग्स, लेकिन जब हम कह रहे हैं दिस इज़ माई बैग तो ये क्लियर है कि हम एक ही बैग की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से ग्रामेटिकल इन्फॉर्मेशन मिलता है, और अगर ग्रामेटिकली करेक्ट है सेंटेंस तो ही उसके मीनिंग जो कि वो आपको क्लियरली मिलेगा। फिर आती है बात मीनिंग की, तो मीनिंग का तो सिंपल सा मतलब है कि उसका मतलब क्या निकल रहा है, कि वो शब्द हमने सुना उसका मतलब क्या, उसका मीनिंग क्या है। तो दिस इज़ वेरी सिंपल, इसको समझाने की इतनी ज़रूरत है नहीं। फिर भी हम लोग एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं कि जैसे हम लोग पोलाइट वर्ड को सोचें तो हमें हमारे दिमाग में एक डिस्क्रिप्शन आएगा कि अगर हम किसी को बोल रहे हैं दिस गाई इज़ पोलाइट, दिस पर्सन इज़ पोलाइट, मतलब ही इज़ वेल बिहेव एंड ही इज़ नॉट रूड। तो रूड क्या है, तो रूड उसका ऑपोजिट मीनिंग का हो गया। तो ये चीज़ें सिनोनिम एंटोनिम में चली गई। सिनोनिम का मतलब होता है वो वर्ड जिनका कि सेम मीनिंग है, एंड एंटोनिम इज़ द वर्ड जिसका कि मीनिंग ठीक ऑपोजिट हो। जो फिफ्थ क्राइटेरिया है ये थोड़ा लंबा डेफिनेशन है और इसके एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसा मैंने बताया था कि 10 नंबर का अगर क्वेश्चन आता है तो आप सोच सकते हैं कि इस पॉइंट के लिए आपको तीन तीन नंबर मिल सकते हैं या फिर 2.5 तो ज़रूर मिल सकते हैं। तो इस पर स्पेसिफिक फोकस होना चाहिए, बाकी के पॉइंट्स में अगर कि थोड़ा छोटा आप कर दो आंसर तो ठीक है, क्योंकि वो तो छोटा है आप उसको बढ़ा तो नहीं सकते हो, लेकिन ये बड़ा आंसर है इसमें पॉइंट्स आप 3-4 ज़रूर डाल देना। ये सब जब मैं असाइनमेंट्स की चेकिंग करता हूँ या फिर जो आंसर्स आपके इवोल्यूशन सेंटर पे मैं गया था इस बार दिल्ली में, तो वहाँ पे इन चीज़ों को चेक करने के बाद ही मैं ये सब बता रहा हूँ कि इस तरह से नंबर्स वहाँ मिलते हैं। आपका टारगेट ये होना चाहिए किसी भी तरह से आपको नंबर ज़्यादा स्कोर करना है, किसी भी अन्य चीज़ पर फोकस मत करो कि क्या पढ़ रहे हैं कैसे पढ़ रहे हैं, सिर्फ नंबर्स पर ध्यान रखो। क्योंकि देखो अगर नंबर्स अच्छे होंगे तभी आप जिस भी एग्ज़ाम को दिमाग में टारगेट लेके बैठे हो, चाहे बैंक का हो, SSC हो, रेल हो, कुछ भी हो, वहाँ पे आपका परसेंटेज चेक करता है। बैंक पे तो आपको डायरेक्टली 60% मांगेगा फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स, इसी तरह अन्य कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा खासा परसेंटेज डिमांड करता है, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। फिर एग्ज़ाम की बात तो बात की है, इसी तरह SSC में भी 45% चाहिए, रेलवेज में चाहिए। तो अगेन अगर आप ग्रेजुएशन की तैयारी पढ़ाई कर रहे हैं तो डू इट नाइसली, कि आपको बाद में फिर ये ना लगे कि परसेंटेज कम रह गया इसके वजह से मैं कोई एग्ज़ाम दे ही नहीं पा रहा। एग्ज़ाम निकलना नहीं निकलना तो बात की बात है, एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबिलिटी तो बनानी है, तो उन चीज़ों को ध्यान में रखो। फिर आते हैं कॉलोकेशंस और ईडियम्स पे, कि कोई भी वर्ड जो कि है ये ज़रूरी नहीं है कि इसका जो मीनिंग है जैसे सुन रहे हैं वही मीनिंग निकले, क्योंकि हम लोग ईडियम्स या मुहावरों में जानते हैं कि 9 2 11, तो हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि 9 + 2 = 11, हम लोग कह रहे हैं वो भाग गया यार, राइट। तो 9 2 11 वर्ड का मीनिंग कुछ और है, जो कि फ्रेज है इसका मीनिंग कुछ और निकल रहा है। लेकिन अगर किसी को पता नहीं है कि ये एक ईडियम है तो वो कहेगा ये तो हमको सिंपल सा एडिशन सिखा रहा है कि 9 + 2 कर दो तो 11 आ जाता है। तो ये बात होती है कॉलोकेशन एंड ईडियम्स में। तो सर्टेन वर्ड्स जो कि होते हैं इनका को अकरेंस होता है, मतलब ये हमेशा एक साथ आएंगे। जैसे कि हम लोग कहें अ हैंडसम मैन, लेकिन हम लोग ये नहीं कहेंगे अ हैंडसम वूमन, क्योंकि वुमन के साथ में क्या जाता है ब्यूटीफुल, हम लोग वहाँ कहेंगे अ ब्यूटीफुल वुमन। ठीक उसी तरह हम लोग वाइस वर्सा में ये नहीं कह देंगे कि अ ब्यूटीफुल मैन, वो गलत हो जाएगा। तो ये जो कि चीज़ें हैं जो कि एक साथ आती हैं दिस इज़ कॉलोकेशन, और कॉलोकेशन में कम्बिनेशन जो कि है ये हमेशा साथ में आएगा। फर्दर अब हम लोग idioms को डिस्क्राइब कर लेते हैं कि वी also नो दैट combinations ऑफ सर्टन वर्ड्स हैव अ मीनिंग which इज़ नॉट द सम ऑफ द मीनिंग ऑफ सेपरेट वर्ड्स बट अ कम्प्लीटली न्यू मीनिंग। जैसा मैंने 9 2 11 वाला एग्जाम्पल दिया कि उसका जो भी वर्ड्स अपने में है, जैसे मान लो 9 2 11 ये तीन वर्ड्स हैं, इन दोनों को आप साथ में लो तो हो सकता है आपको लगे कि 9 + 2 = 11, जैसे मैंने पहले बताया, लेकिन एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है कि वो यहाँ से भाग गए। उसी तरह अगर कहें कि एन एप्पल ऑफ वंस आई, तो इसका ये मतलब नहीं है कि किसी के आँख में कोई सेब रखा हुआ है, इसका ये मतलब है कि वो चीज़ उसे बहुत प्यारी है। तो इस तरह से idioms के मीनिंग निकलते हैं। तो ये जो कि चीज़ें हैं ये पांचों के पांचों पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है और मैं कोई भी बात हवा में नहीं करता हूँ, मैं फैक्ट्स पर बात करता हूँ। तो देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे चैनल पर पोस्टेड है, इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन
और भी काफ़ी सारे आपके मिल जाएंगे जो कि आपके बुक्स होंगे उनमें। तो वहाँ पे जब इस चीज़ को देखोगे तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ, ये चीज़ खुद समझ में आ जाएगा। फर्दर अगर कि आपको ज़रूरत है तो मैं इस तरह का एक गेस्ट पेपर का वीडियो बना दूंगा कि कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं, तो उसका डिमांड रहेगा तो मैं बना दूंगा। वो चीज़ें देखने पर आपको ये चीज़ खुद समझ में आ जाएगा कि मैं जो भी बता रहा हूँ ये सब बार बार रिपीट होता है। तो इनको अगर आप पढ़ लेते हो अच्छे से तो कीप इन माइंड कि आपके नंबर ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाएंगे। इसके बाद की वीडियोज़ में हम लोग बाकी पार्ट्स को डिस्क्राइब करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।